हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कल जो हरियाणा पुलिस की डेट आई थी अगली सुनवाई की 17 तारीख, और दोस्तों जो आज उसके बाद विद्यार्थियों ने शुरू किया है या कुछ यूट्यूबर हैं उन बच्चों के साथ है जो मतलब ज्वाइनिंग जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, बस मतलब उनका सेलेक्ट नाम है, उनके पक्ष में है। वो चाहते हैं कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो। अब मैं दोस्तों ये बात कर रहा हूँ कि यूट्यूबर को हमेशा एक की तरफ की बात नहीं करनी चाहिए, दोनों को जोड़कर अगर ये बात बोली जाए कि हरियाणा पुलिस पर फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, ये नहीं कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाओ। अब दोस्तों जो दूसरे पक्ष के विद्यार्थी हैं वो क्या कहेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। 4-5 यूट्यूबर्स हैं जो ये कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है ये। आप इसके बारे में ज़रूर एक वो कर ये जो मतलब उनको कुछ ना कुछ पहुँचे ठेस वगैरह, और ये बहुत गलत बात है कि एक पक्ष का साथ देना कभी भी किसी यूट्यूबर के पक्ष में मतलब किसी यूट्यूबर को नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना चाहिए, या उसको ये बोला जाए कि हरियाणा पुलिस जो रिजल्ट है उस पर जल्द से जल्द, या हरियाणा पुलिस भर्ती पर फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, तभी तो साथ में आएंगे। वरना ये तो दोस्तों एक ही पक्ष की बात करने वाली बात हो गई, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या मानना है? 2 तारीख से कंपेन चलने की बोल रहे हैं ट्विटर पर, और ये वहीं कंपेन होगी जिसमें सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, यानी सिलेक्टेड विद्यार्थियों के लिए ये कंपेनिंग है। और इसमें बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग कब तक, ये नहीं बोला जा रहा कि फैसला कब तक। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी सोच है कुछ यूट्यूबरों की। तो धन्यवाद, जय जवाब।